हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत छोटा बनने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आज वीडियो में बात कर रही हूँ आइस के बारे में। जो बर्फ़ होता है, जो आइस होता है, वो कितना कारगर होता है। अगर जब गर्मियाँ चालू हो जाए तब से आप स्टार्ट कीजिए और जब तक विंटर सीजन नहीं आता है तब तक इसको रोज़ अपने चेहरे पे लगाइए एवरीडे। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो लगाइए। और आपके अगर आपके चेहरे पे स्वेलिंग है, यानी सूजा हुआ है, आपके चेहरे पे कालापन है, आपके चेहरे पे मतलब आपका चेहरा लूज हो चुका है थोड़ा सा, मतलब होता है ना कभी कभी आपके इनफेक्ट झुर्रियाँ तक, मतलब इसको रोज़ एवरीडे आप 2 टाइम्स लगाइए। मॉर्निंग में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, और मेकअप के बाद, मेकअप करने से पहले आप इसको लगा लीजिए तो आपका मेकअप भी बहुत देर तक टिकेगा। तो ये आइस बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छा, जैसे गर्म पानी काम करता है। मैंने ऑलरेडी गर्म पानी पे वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी देखिए कि वो कितना कारगर होता है। वैसे ही आइस भी आपका काम करता है। आइस क्या है कि आप विंटर सीजन में बचते हैं, चूंकि ठंडी रहती है तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं लगाएं, लेकिन अगर उसमें भी लगाएंगे तो वो काम करेगा, लेकिन बचते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप समर सीजन जब से चालू होता है जब तक ठंडियां नहीं आती हैं तब तक आप लगाइए इसको। तो उसको उस फ्रीज में, जब पानी आप अपने फ्रीज में रखेंगे डीप फ्रीज में आइस बनाने के लिए, तो आप एक और भी उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें नीम ऑयल और क्या बोलता है पुदीना ऑयल या टी ट्री ऑयल, ये सब डाल के और उसको डीप फ्रीज कर दीजिए तो ये और भी कारगर हो जाता है। अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं उसमें, जो मतलब आपके ऊपर आपको सूट करता हो उसका मतलब आइस बना लीजिए और फिर अपने फेस पे लगाइए, और नहीं तो प्लेन लगा लीजिए, प्लेन आइस बना के लगा लीजिए, बहुत कारगर होता है। तो मुझे मालूम है कि ईद के शॉपिंग के चक्कर में आप लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे कि अपने फेस पे एक ग्लो लाएं, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो शॉपिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बहुत इजी तरीका है, फ्रिज से जाइए निकालिए और लगाते रहिए और शॉपिंग भी करते रहिए। तो आप लोग को एडवांस में ईद मुबारक, और उम्मीद करती हूँ कि इस सब के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।